छोड़ के कोई एक्टिविटी करना जिस एक्टिविटी में आप लोग इतना डूब जाते हैं कि आपका मन करता है कि होता ही रहे, हमेशा होता रहे, और कुछ ऐसा जिसमें समय गुजरता नहीं है। ये रिलेटिव जो है ना, जो रिलेटिविटी का कंसेप्ट है सारा, सापेक्षता का, यही तो है कि किसी के साथ बैठे हैं तो चिंता है कि अरे एक घंटा हो गया, टाइम खत्म ना हो जाए, अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। और दूसरा व्यक्ति आया है और अब जैसे ही आया आप घड़े देख रहे हैं और पढ़ाई ठीक चल रही है, हाँ ठीक चल रही है, फिर देखिए घड़ी कब, अबे कब जाएगा, जाना भाई, कितना चाटेगा, जाओ, क्योंकि आपका जो मूल व्यक्तित्व है उससे रमता नहीं है, और जहाँ रमता है वहाँ तो एक घंटा, दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे और छः घंटे बाद कोई कहे अरे हाय दैया छः बज गए, और आप कहे छः बज गए पता भी नहीं चला, मुझे लगा 12:15 हुए होंगे, अभी 12 बजे ही तो आए थे, 6 घंटे हो गए, क्योंकि वहाँ आप रमे हुए हैं। तो मूल व्यक्तित्व की दूसरी पहचान है जहां व्यक्ति रम जाए, जहां व्यक्ति रम जाए, वरना रम पियड़िया हो जाएगी जहां व्यक्ति रम जाए यानी कि डूब जाए, जिस चीज में डूब के मजा आए ना, अगर किसी व्यक्ति का प्रोफेशन ऐसा हो जिसमें वो डूब जाता हो, यहां डूबने का मतलब आनंद में डूब जाना है, डूब जाता हो, जैसे किसी को मजा आता है किसी में गाने में, आपने कहा चल आज से सिंगर ही बन गया तू, अब दिन भर गा बस मस्त रहे, वो रियाज करता है, नई धुने बनाता है, फिर जब हो गया रियाज, एक फिल्म में वो गीत आ गया, वो फेमस हो गया, दुनिया भर से बुलावा आता है, जहां जाता है वहां गाता है, घर पे आता है रियाज करता है, नए गीत लिखता है, नया संगीत की धुन रचता है, ये जितना मस्त रहेगा ना, मतलब एक समय के बाद बोरियत इसको भी होगी, अपनी रुचि का काम 24 घंटे करने से बोरियत होती है, तो बीच में ब्रेक मिल जाने से वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन ये व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तुलना में जितना खुश रहेगा अपने जीवन से